आपका हमारी चैनल रक्षा की रसोई में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल पर अभी न्यू आए हैं तो नीचे दिया गया लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरी एक और चैनल है रक्षास ब्लॉग करके, जिसमें मैं अपने ब्लॉग्स डालती हूँ, कुछ किचन के टिप्स भी डालती हूँ और साथ में रेसिपी भी डालती हूँ। ब्लॉग में मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बहुत सारी बातें आपको पता चलेंगी, मेरे घर के बारे में, मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में आपको बहुत कुछ पता चलेगा। तो अगर आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मैं दे दूंगी। और हाँ, आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक में आपको सर्च करना होगा रक्षा की रसोई और उस पेज को लाइक कर देना होगा, तो वहाँ पर भी मैं। तो गाइस, घुइयां बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने ली है आधा किलो अरवी, जिसको हम घुइयां भी बोलते हैं। तो अब हम इसको उबाल लेते हैं और इसको छील करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इनको उबाल लिया है, और उबालते वक्त इनको ज़्यादा ना उबालें, थोड़ी सी कड़ी रहनी चाहिए। ज़्यादा उबलेंगी तो ये सब्ज़ी बनाते समय मैश हो जाती हैं। तो अब हम मसाले इसमें घोलेंगे। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 1.5 चम्मच करीब धनिया पाउडर, आधा चम्मच हम लेंगे हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च, और यहाँ पर लेंगे हम आधे चम्मच से थोड़ी कम गरम मसाला, और थोड़ी सी यहाँ पर हम ले रहे हैं काश्मीरी मिर्च कलर के लिए। अब हम इसमें पानी डाल करके घोल लेते हैं मसाले को। तो हमारा मसाला घुल चुका है। अब यहाँ पर कढ़ाई में हमने तेल डाला है, और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। घुइयां को हमेशा अजवाइन में छौंका करें, क्योंकि घुइयां जो होती है बादी करती है, तो अजवाइन से बादी नहीं करती है। अब हम डाल देंगे इसमें घोला हुआ मसाला, और इस मसाले को हम अच्छे से तेल में भुनाई करेंगे। तो आपको बीच बीच में चलाते हुए इसको भूनना है, थोड़ा धीमी आंच पर भूने वरना मसाला जो है जल जाएगा, क्योंकि इसमें पिसा हुआ है ये अलग से हमने घोला था इसको। और अब हम डाल देंगे कटी हुई अरवी, और इसको भी हम अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। तो इसको मिक्स करते हुए अच्छे से कलहारना है, करीब 1 मिनट तक आपको मसाले के साथ ही इसको कलहारना है, ताकि हमारी जो अरवी है उसका जो चिपचिपापन है वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से कलहारने से चिपचिपापन ख़त्म हो जाता है और मसाला भी आपका बहुत अच्छे से भुन जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और अब हम डालेंगे पानी। तो ये अरवी बनाने का बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर में बहुत अच्छी भी लगती है अरवी की सब्ज़ी, और बहुत सिंपल तरीके से बन भी जाती है। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और इसको हम अच्छे से खौला लेंगे, सब्ज़ी को पकने देंगे जब तक कि इसका जो मसाले हैं, सब्जी रसा है, अच्छे से पक ना जाए। आप करीब 5 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है, और उसको हम कटोरी में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से हमारी सब्ज़ी बन करके तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करिएगा लाइक शेयर, और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।